यूपी के कौशाम्बी जनपद में न्यायालय के आदेश होने के बाद मुकदमा दर्ज आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। आपको बता दें कि कस्बा निवासी अहमद अब्बास उर्फ टिर्रा के भाई हसन अब्बास की एक दुर्घटना में मौत हो गई थी, जिसका 2 वर्षीय एक बेटा भी है। भाई की पत्नी समझौते के बिना पर अपने मायके कोसम इनामपुर गांव चली गई। समझौता हुआ था कि बच्चे से परिवार वालों को मायके में मिलने दिया जाएगा। बच्चे के चाचा और बाबा ने अपने भतीजे के नाम बैंक में 20,000 रुपये भी जमा किए थे, लेकिन जमृतक हसन अब्बास का भाई जब अपने भतीजे से मिलने कौशाम्बी थाने के कोसम इनामपुर गया तो उसे मिलने नहीं दिया गया और साथ ही उसके साथ मारपीट भी की गई। आरोप है कि मारपीट के साथ 20,000 रुपये भी छीन लिए गए, जिसका मुकदमा न्यायालय के आदेश पर लिखा गया, लेकिन उक्त लोगों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। पीड़ित ने अपने आला अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कराते हुए कार्रवाई की मांग की है। हमारे भाई का एक्सीडेंट हो गया था, तो भाई हमारा खत्म हो गया था, तो सुलहनामा लगा दिया था, राजीनामा लिखा दिया था कि मिले। छोटा लड़का रहा है, मायके अपने लेके चली गई थी, तो आज तक मिलने नहीं दिया। 9-10 महीना हो गए और उसके बाद जब तो मिलने जाते हैं तो गाली देते हैं, मारते हैं। 20,000 रुपये भी हमारा बना लिया, मुकदमा भी किया है, गाने भी किया है, कोर्ट भी किया, आज तक न कोई पकड़, न कोई धर, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं। घूम रहे हैं रंगबाजी से। क्या नाम है आपका? अहमद अब्बास।